हेलो दोस्तों नमस्ते, मैं ललिता आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे ना मैं आप सबसे बात कर रही थी और अपना वीडियो सोचा कि ये स्टार्ट कर लेती हूँ, और मैंने ये वीडियो डाल भी दी थी यूट्यूब पे। फिर बाद में इसमें ना यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी बोल रही हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था तो पूरा कॉपीराइट हो गया, तो फिर से मैं डिलीट करके उसको फिर से मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को स्वागत करती हूँ हमारे वीडियो में। तो आज है हल्दी और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे घर में मेरी ननद, मेरी देवरानी और सब लोग आए हुए हैं, जितने भी अपना मतलब ग्रुप में है सारे हमारे घर के फैमिली लोग सब आए हुए हैं शादी के लिए। 2-3 शादी है तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इतना बिजी थी, इतना बिजी हूँ कि मतलब मोबाइल उठाने का या वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं रहता था, इतना ज़्यादा बिजी हम लोग हो गए थे। काम बहुत कम था, रस्में जो चीज़ें हो रहा था ना मतलब शादी का, वो सारा चीज़ करने में ना थोड़ा हम लोगों को ना बहुत टाइम लग जाता था। फिर वहाँ से आती तो घर में तो एक क्षण भर के लिए ना टाइम ही नहीं मिलता था बैठने के लिए। तो यही मैं बोल रही थी आप सबसे। तो आप लोग देखिए वीडियो स्टार्ट हो चुका है हल्दी का। तो यहाँ पे होने वाला है हल्दी, तो हम लोग चल रहे हैं। छत के ऊपर में हल्दी रखा गया है और नीचे में ना सब कितना चल रहा है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं हल्दी लगाने के लिए। तो मैं भी ना मैं मतलब ऑप्शन में लेके आई थी साड़ी, साड़ी का ब्लाउज नहीं सिला था लेकिन मैचिंग हो गया, एक साड़ी का ब्लाउज 3-4 साड़ी पे मैचिंग हो गया। अंजलि के लिए खरीद के लाए हैं उसके पापा आज। और ये देखिए लाइट जो चल रहा है, वहाँ पर भी शादी है तो वहाँ पर गीत नाच चल रहा है। और अभी चल रहे हैं सब लोग हल्दी लगाने के लिए, पहुंच चुके हैं ऊपर में। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग सुनिए रियल में गाना नीचे चल रहा है और महिला सब बैठ के गा रहे हैं और हम लोग ऊपर में हल्दी लगा रहे हैं। और यहाँ पे ना सब लोग एक दूसरे को ना ये टीका मनटीका लगा रहे थे, मैं भी लगाई हूँ। तो देखिए पहली बार ना लाइफ में मैं लगाई हूँ, बोल रही हूँ चाची से कि देखिए पहली बार मैंने लाइफ में लगाया है ये मान टीका। तो आप लोग देखिए और सुनिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। गाइस हल्दी स्टार्ट होने ही वाला है, सबसे पहले हल्दी लगाने वाले हैं लड़की की मम्मी और पापा। तो ये है भैया और दीदी। और जब मैं शादी करके आई थी ना तो नेहा 2 साल की थी, 2 साल या 1.5 साल की थी, बहुत छोटी सी थी। और इतना जल्दी वक्त बीत गया कि पता ही नहीं चला कितना जल्दी जल्दी टाइम बीत गया और शादी लायक भी हो गई, तो बहुत छोटी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई है। हमारे यहाँ हल्दी का रस्म नहीं होता है जैसे हमारे नानी के यहाँ होता है ना, उस तरीके से नहीं होता है, बस फोटो शूट करवा रहे हैं लोग, बस इतना ही। पूरा रस्म अच्छे से नहीं मतलब जैसे होते हैं हमारे नानी के यहाँ, उस वो वाला रस्म नहीं होता है। पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, अभी लोग शौक से करते हैं बस यही सोच लीजिए। और अभी धीरे धीरे ये मतलब चालू स्टार्ट हो रहा है तो शायद रस्में भी चालू हो जाए 5 दिन पहले। अभी तो एक ही दिन हल्दी रखा गया है और मैंने नानी के घर में देखा था कि 5 दिन पहले से हल्दी लगाया जाता है और पूरे रीति रिवाज से लगाया जाता था। लगाने के बाद फिर से नहलाया जाता है, तेल लगाया जाता है, ये सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ अलग सिर्फ हल्दी लगता है और फोटो शूट कराइए बस हो गया ख़त्म। तो ऐसा कुछ तो सब लोग अपना अपना जाके लगा रहे हैं और फिर फोटो को शूट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये दीदी जो देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर की साड़ी में, ये दोनों देवरानी जेठानी है तो इनके घर में भी शादी है। सारे लोग लगा चुके हैं हल्दी, अब मेरी बारी और मेरे हस्बैंड का बारी था। तो पति देव को ना मैं ढूंढ रही थी कितना टाइम से, इनको बुला रहे थे ललित कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन ये तो सैलून में बैठे हुए थे अपना दाढ़ी मुझे बनवा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे मोटी दिखूंगी गांव में, लेकिन जब मैं गांव गई तो सबको मैंने देखा कि सब तो मेरे जैसे ही है, कोई अलग नहीं है। तो थोड़ा सा मन को सुकून मिला कि चलिए कोई ये नहीं बोलेंगे कि बहुत मोटी हो। तो बस और पतिदेव के पास ना पीला वाला कपड़ा नहीं था, ये लेके ही नहीं गए, इनको पसंद नहीं है लाल पियर वाला कपड़ा। कई बार मैं एक दो बार मैं लेके आ गई थी तो उन्होंने डाला ही नहीं, उसके बाद तब से मैं ना लेके आती नहीं हूँ। इनके जन्मदिन पे दी थी एक लाल वाला कपड़ा और ब्लैक कलर वाला कपड़ा, तो इन्होंने नहीं डाला, तब से मैं लेके नहीं आती इनके लिए अपना मन से।
दिखा दे दिया है। बस जो हाय जाए छे गीत गावेला। तो जब हम लोग आ रहे थे ना, अभी सुना ना आपने पीछे से बोले थे डीजे स्टार्ट हो गया, डांस करने के लिए आई है। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोगों को गीत गाने के लिए जाना पड़ेगा। और हम मेला के लिए ना यही ड्यूटी था कि कभी उस आंगन में गीत जाके गाओ, कभी उस आंगन में। यहाँ पर ना कुल देवी देवता का ना 5 दिन पहले से गीत गाया जाता है और उनको जगाया जाता है। तो ये मतलब हमारे रिचुअल्स में है। और बस यहाँ पे मौज मस्ती चल रहा था। किसी ने मुझे बोल रहे थे कि पीछे से कि आप कब शादी कर रहे हो, तो मैं बोले मेरा तो शादी हो चुका है, अब मैं कितना शादी करूँ। तो बोल रही कि नहीं आपका नहीं, आपका बेटी का बोल रही हूँ। नहीं 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 रुको ना, ये पागल आप क्या को करवे करवे देखियो तो का फोटो मस्त है।